फटाफट से शुरुआत करते हैं पांच बड़ी बातों से। फिर शिवांगी सरदा जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे हम करेंगे बातचीत। पहली बड़ी बात, दो दिन से लगातार 17,000 के ऊपर मार्केट कर रहा है ट्रेड। आज भी मार्केट को एक मौका मिला, प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत में हुई लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट की थी, उसके बाद फिर से बाजार ने गति पकड़ ली और अब 100 अंक से ज़्यादा की तेज़ी के साथ है। निफ्टी 17,300 की कॉल में खरीदारी है, पुट में बिकवाली है। इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी भी बरकरार है और ये रिवर्सल का सिग्नल ही नहीं दे रहा, क्योंकि 17,300 पे आपकी अगर पुट कम होती या घट जाती तो शायद हम ये बात कह सकते रहे, लेकिन पुट में तो बाइंग अभी भी जारी है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज इंडेक्स में अच्छी तेज़ी, करीब 1% का उछाल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट बात भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, बिक्री आंकड़ों से ऑटो इंडेक्स में आज 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स के नंबर हालांकि थोड़े से डिप वाले रहे लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एक एस्कॉर्ट्स को छोड़ दिया जाए, आइशर को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शेयर ऊपर है। M&M ने तो जो रिकॉर्ड बिक्री दिखाया है अपने सेल्स के नंबर का, स्कॉर्पियो N का, उससे आज M&M सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शेयर बना, न केवल निफ्टी का बल्कि अपने इंडेक्स का भी सबसे तेज़ है। इंडिया विक्स 17.5 के ऊपर आज 6% बढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी बाजार टूट नहीं रहा। आपको लग रहा होगा कि इंडिया विक्स 6% बढ़ने पर भी बाजार टूट क्यों नहीं रहा, उसकी बड़ी वजह है इंडेक्स की इंटेंसिटी, यानी कि इंडेक्स का फर्क डालना बाजार के अंदर। कम से कम 19 का इंडेक्स चाहिए आपको इंडिया विक्स जब बाजार के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, टिल 18, 18.5 तक। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें वो एक अलग बात है, लेकिन 18, 18.5 तक बाजार में रिवर्सल या फिर प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल ही नहीं आएंगे, ये कम से कम आप मान के चल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी लेके आते हैं आपके सामने, और ठीक उससे पहले हम आपके सामने रिकॉर्ड कार्ड के साथ शिवांगी सरदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस समय आप जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 132 शेयर एडवांसेस के साथ, डिक्लाइन 60, NSE पर भी आंकड़ा ठीक है एडवांस डिक्लाइन का, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पर भी आंकड़ा यानी कि BSE पर भी आंकड़ा ठीक है। पहले रिपोर्ट कार्ड कुणाल बोथरा ने जो हमको ट्रेड दिए थे वो आपके सामने रखते हैं। कुणाल से हमने स्टॉक्स और इंडेक्स सब पे बातचीत की थी, तो इंडेक्स पे उनका जो परसेंटेज गेन है वो करीब करीब 1% का है। साथ ही IRCTC उनके द्वारा दी गई कॉल थी, आज शानदार रिटर्न मिला, 3% का रिटर्न IRCTC। ये शुक्रवार का भाव है जो आपकी स्क्रीन पर लगे हुए दिख रहे हैं, 628 पे उन्होंने रिकमेंड किया था। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे 2% आपको मिला होगा, वो 3670 पे था। 17,140 पे उन्होंने निफ्टी बोला होगा, आज आप निफ्टी को देख रहे हैं 17,250 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रही है, तो 1% का गेन वहाँ से भी आया। तो कुणाल की जो ट्रेडिंग कॉल्स थी ये उसी कॉल्स में से हमने उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया। आज शिवांगी सरदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी आज की जब हम कॉल्स के बारे में पता करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रखते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो आज हफ्ते की शुरुआत भी है और आपसे बातचीत हो रही है, और आपसे हम जरा पता करेंगे कि इस समय हमको निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय डाटा देखिएगा, करीब 6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, खरीदारी अच्छी है। लास्ट सेशन में जब अगस्त सीरीज का पहला दिन था शुक्रवार को, वहाँ पे 8% का ओपन इंटरेस्ट था। हमने सुबह भी आपको नोटिस कराया था ये ओपन इंटरेस्ट 8-8% का शुरुआत में मिल रहा है, इट्स अ गुड साइन। और बाजार के अंदर फटीक थकावट बिल्कुल नहीं दिख रही है। 17,000 हमारा 200 दिन का एवरेज, अब 200 दिन के एवरेज और 100 दिन के एवरेज ऑलमोस्ट 17,000 के ऊपर है। हमारा जो नया सपोर्ट है वो 17,050-17,100 की रेंज का है, और रेजिस्टेंस हो सकता है 300-350 की रेंज में मिले। ये हमने एक पिवट पॉइंट्स जो इसके निकालने होते हैं उसके बेसिस पर हमने ये आपके सामने नंबर्स रखे हैं। और अभी आप 200 दिन के एवरेज भी देखेंगे इसके अंदर। शिवांगी हमको ये बताइए, इस बार रोल ओवर थोड़ा एवरेज से कम था, 76-77% का एवरेज बनता है, 73-75% अराउंड रोल ओवर आया, लेकिन ये सीरीज अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज थी। 8% का गेन आया अगस्त 2021 के बाद, फिर से हमने ये 8% का गेन देखा, और रेयर देखते हैं 8% का एक महीने के अंदर गेन इंडेक्स पे। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस समय निफ्टी पे क्या करना चाहिए? जी धन्यवाद दिव्य जी। तो जैसे हमने देखा कि जो जुलाई सीरीज था वो काफी एक पॉजिटिव ओपनिंग भी दिया था और पॉजिटिव क्लोजिंग भी दिया, काफी एक अच्छा रैली देखने को मिला है। जो रोल ओवर डेटा है वो संकेत कर रहा है कि 3 मंथ जो एवरेज है उससे स्लाइटली लोअर है, पर जिस तरह से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखी गई है पूरे सीरीज में वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अगस्त में हम सस्टेन करने वाले हैं हायर जोन्स पे, और जो सपोर्ट है वो बना रहेगा। हमने देखा है कि करीबन 22% OI गिरा है और 7% से ऊपर प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 5000 पॉइंट्स का जो है एक रैली हुआ है जुलाई सीरीज में जो हमने देखा है, और जो रोल ओवर डेटा है वो भी
थ्री मंथली एवरेज से स्लाइटली लोअर है, बट स्टिल जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो हमें यही संकेत करता है कि सस्टेन करने वाला है इंडेक्स. आते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव में, अगर हम निफ्टी को देखें तो हमने देखा कि निफ्टी 17,250 के अंकों पे चेयर कर रहा है और पुट कॉल रेशियो जो है वो भी राइज कर रहा है. वोलेटिलिटी आज थोड़ा सा, जो इंडिया मिक्स है वो हल्का सा हायर जोन्स पे है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे रहा है मार्केट को. पर हमारा यही मानना है कि कोई भी डिक्लाइन जो है वो यूटिलाइज हो सकती है बाइंग के लिए. और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 17,150 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है जहाँ पे बाइंग किया जा सकता है, और सपोर्ट हम लगाएंगे 17,000 का फॉर टारगेट टुवर्ड 17,350 17,500. ओके ठीक है, तो जो लेवल्स हैं शिवांगी आपको बता रही है इंडेक्स के, वो लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे. फिलहाल 17,500 का एक रेंज है जो थोड़ी देर पहले मैं आप भी और डिस्कस भी करके बता रहे थे, और वो आपकी स्क्रीन पर इस समय बनता हुआ दिख रहा है. शिवांगी आप बैंक निफ्टी पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? ऑलरेडी आपने निफ्टी पे स्ट्रेटजी दी है, बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करें? हम जो बैंक निफ्टी का डाटा अपनी स्क्रीन पर एक बार ले आएंगे और एक बार जरा आप उसके बारे में स्ट्रेटजी बता पाएं बैंक निफ्टी के बारे में. जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 6 हफ्तों से ये हायर लोस बनाते जा रहा है और एक काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ देखने को मिला है. सारे ही बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ बना हुआ है और मुझे इंट्राडे पर्सपेक्टिव में लग रहा है यू नो बैंक निफ्टी अगर 37,777 अगर क्रॉस करे तो यहाँ एक अच्छी मोमेंटम बनेगी. 38,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं और सपोर्ट हम बनाएंगे 37,500 का. ऐसे तो कोई भी डिक्लाइन मिले तो हमें बाय ऑन डिक्लाइन अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, पर 37,777 क्रॉस करते ही मोमेंटम ऐड हो जाएगा. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के टारगेट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे और इस समय आप जो देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का टारगेट 38,000 तक का है, 37,500 का स्टॉप लॉस है. शिवांगी अभी कह भी रही थी कि ये 37,700 पार करेगा तो जल्दी स्पीड से पकड़ेगा और 38,000 तक आ सकता है. हमने भी जो डेरिवेटिव का डाटा निकाला कैलकुलेशन किया था उस हिसाब से 37,900 तक तो हमारा टारगेट भी था और शिवांगी भी यही बात कह रही है. निफ्टी पे उनको लगता है 17,500 आएगा. एक्चुअली 17,000 से 17,500 वाली रेंज ना हो सकता है चर्निंग की रेंज भी हो, ये उतनी स्पीड से ऊपर ना आए जितनी स्पीड से आप 16,600 400 से आप 17,200 तक आए हो. ये जो 700 पॉइंट मार्केट ने जो गेन किया है ये बहुत स्पीड से गेन किया है. हो सकता है इस रेंज के अंदर आपको 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे थोड़ा इरिटेट भी करे क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस हफ्ते का बहुत फास्ट था एक्सपायरी के आसपास का. तो इसलिए 17,500 17,000 एक रेंज है, जब जब मौका मिले डिप का तब बाय कीजिए, जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुकिंग का तब कीजिए. शिवांगी बात ठीक है ना, ऐसे ही करें ना पिछले हफ्ते जैसा या पिछले 10 दिन जैसा, शायद वो स्पीड ना रहे क्योंकि विक्स थोड़ा गिरा हुआ है. जी बिल्कुल, जिस तरह से पुट कॉल रेशियो इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो यही स्ट्रेटजी अप्लाई होनी चाहिए कि कोई भी डिक्लाइन हो वो बाइंग के तरफ अप्लाई हो सकती है. पर जिस तरह से अभी थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिली है तो मार्केट में जो मूवमेंट है वो इतनी जोर से नहीं पकड़ आएगी, लेकिन जरूर हम पॉजिटिव बायस रखते हुए कामकाज करें. ठीक है, बायसनेस पॉजिटिव होनी चाहिए. अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पर. अब हम शेयर्स के बारे में आपके सामने राय रखते हैं. इंडेक्स आपने नोट कर लिए होंगे, लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे, मैनेजमेंट आपने सुन ली होगी, 5 बड़ी बातें हमने आपके सामने रख दी, डाटा आपके सामने आ चुका है. अब आते हैं जरा शेयर्स पर आज के. पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे. शिवांगी इस बार जो दो शेयर हमने निकाले ना दोनों थोड़े से सेंसिटिव शेयर्स हैं एक्चुअली. एक तो इंडिया बुल हाउसिंग, आपको ध्यान होगा इसने 102 के बाद का जो ब्रेकआउट दिया बहुत ही फर्म दिया है, एक्सपायरी के पास दिया था बिना बैन में जाने के दिया है और उसके बाद से अभी भी मेंटेन्ड है. ये डिप में आता है 108 110 तक फिर से स्पीड पकड़ लेता है, जैसे आज पकड़ी अब 116 हो चुका है. हमें आपसे ये पता करना है कि क्या ये शेयर 150 160 तक भी जा सकता है. 125 का इसका पहला टारगेट होना चाहिए फिर 150 दूसरा, एक तो इसको चेक करो आप. और दूसरा अदानी पोर्ट्स, ये भी आपको पता है कि बहुत तेज़ी से चला और सीरीज के अंदर सबसे ज़्यादा रोल ओवर अगर किसी शेयर में आया तो अदानी पोर्ट्स में आया था. इन दोनों का चेक कर लो जरा आप. जी, दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए यही इसमें दिख रहा है कि काफी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम है. अडानी पोर्ट स्पेशली एक काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है और जो रोल ओवर के आंकड़े हैं वो भी काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक में. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 810 और फिर 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं. आईबुल की अगर हम बात करें और कंपेरिजन करें तो मुझे लग रहा है अडानी पोर्ट्स एक बेटर स्टॉक होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो हम इसमें कामकाज कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 780 का.
ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तो अडानी पोर्ट्स और थोड़ा चल सकता है। मैं एक बार ना अडानी पोर्ट्स के एक बार चार्ट भी लेके आऊँगा बाद में ना आपको इंडिया बुल्स, अच्छा इंडिया बुल्स पे आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो अवेलेबल है वो भी बता दीजिए, फिर हम उसके भी लेवल ज़रा नोट करवा दें दर्शकों को। शिवांगी जी, इंडिया बुल्स की अगर चार्ट देखें तो जरूर वीकली में ये 3 हफ्तों से हायर लोज बनाते जा रहा है और एक अच्छी यहाँ पे बाइंग देखने को भी मिली है, पर जो है अभी जो है काफी एक अच्छा रैली आ चुका है पिछले 3 दिनों में, तो थोड़ा और कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है क्योंकि फॉलो अप बाइंग चाहिए और बढ़ने के लिए। ओके ठीक है, मैं आपको जरा अडानी पोर्ट्स के चार्ट्स पे ले चलता हूँ, आप जरा देखेंगे इसके अंदर एक तो वॉल्यूम आपको दिखेगा प्लस इसके अंदर एक यू शेप पैटर्न टिपिकली जिसको हम कहते हैं वो आपको दिखेगा। और अडानी पोर्ट्स ना भूलिएगा, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये तो डबल होने वाला शेयर्स है, ये तो अभी अंडर वैल्यूड है। आप इसकी दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके 200 दिन की एवरेज, 1, 2, 3, 4 बार का सपोर्ट, चौथी बार में ब्रेकआउट हुआ, जिस वर्टिकल फॉल वाई राइज हुआ उसी वर्टिकल फॉल से फॉल भी हुआ। हमने इसकी सिर्फ ये 50 दिन की एवरेज से हमने इसको कैलकुलेशन डाला तो वहाँ से आप देख पा रहे कितना ब्यूटीफुल इसने यू शेप रिकवरी दिखाई, ना केवल इसने अब 200 दिन के एवरेज को पार किया बल्कि इसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर्स भी कहते हैं जहाँ पर दोनों एवरेजेस बराबर हो जाती हैं। और टिपिकली टेक्निकल्स में कहा यह जाता है कि जब आप इन एवरेजेस के जितना पास कर देंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा, ये इस तरह की वाइड नहीं होनी चाहिए या इस तरह की प्राइस से दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्रॉसओवर्स आपको मिल जाए और उसके पीछे वॉल्यूम जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लास्ट में बिल्कुल वॉल्यूम बार भी आपको दिख रही है और स्ट्रॉन्ग मूव आपको अडानी पोर्ट्स पे दिखा है, तो आप अडानी पोर्ट्स पे एक बार ट्रेड ले सकते हैं। वैसे बड़े टारगेट्स के डबल के हैं, शिवांगी ने आपको रिकमेंडेशन दे दी है। रही बात इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट के बारे में, अगर आप वहाँ पे देखेंगे इंडिया बुल हाउसिंग में उसने धीरे धीरे पुलबैक अभी करना शुरू किया है। मैं इंडिया बुल हाउसिंग का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, एक बार जरा वो भी दिखाते हैं इंडिया बुल हाउसिंग का। उस पर शिवांगी की भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन ये चार्ट अपनी देख पा रहे होंगे, आपने जितना स्ट्रॉन्ग और जितना कॉन्फिडेंटली पुलबैक अडानी पोर्ट्स पे देखा ना उतना ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये गिरता हुआ चार्ट है। एक्चुअली इसने अपने आप को सिर्फ रोका है, रोकने के बाद एक छोटी एवरेजेस को पार किया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए तो ठीक है लेकिन जो पक्के ट्रेडर्स हैं जो टिपिकली थोड़ा ब्रेकआउट देख के कन्फर्मेशन के बाद लेते हैं ये उनके लिए भी उतना ठीक नहीं है। बट हाँ, इसने अपनी तेज फॉल को यहाँ पे आके अरेस्ट किया यानी कि रोका, ना केवल रोका बल्कि काफ़ी समय भी दिया, समय के बाद अब ब्रेकआउट है। और ये कहा जाता है कि जब 50 दिन की एवरेज पार हो जाए तो ये शेयर 200 दिन की एवरेज की तरफ ज़रूर कैच करता है, ज़रूर जाता है, तो ये कोशिश कर रहा है 200 दिन की एवरेज जो कि बड़े लेवल हैं जिसमें 150 का जो लेवल आपको बता रहा था ये करीब करीब वही है। फिलहाल आपको रिकमेंडेशन तो नहीं है, वर्न इस पे सिर्फ रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो दी गई है वो पहले शेयर्स पे दी गई है, आप इस पे जरा नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आते हैं, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर और फिर उसके बारे में हम जरा पता करते हैं कि इनमें शेयर्स में क्या करना चाहिए। स्क्रीन पर आएंगे शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स और उसमें हमारे पास है एक गुजरात गैस और दूसरा रेन इंडस्ट्रीज़। शिवांगी एक बार जरा रेन इंडस्ट्रीज़ को चेक करो, 10% ऊपर है आज, अब तो लगता भी नहीं है कि इसके अंदर मूवमेंट आएगा। इसका ना एक बार इंट्राडे चार्ट भी दिखाओ आप, आज हमने सुबह सुबह भी नोटिस करवाया था 19% था 7 डेज में, 10% आज हो गया है तो इसको मिला के आपका ये कहीं ज़्यादा आएगा। 7 डेज का दिखाओ आप, तो 7 डेज में आपको दिखेगा 24% हो गया, तो आज ये सुबह 4-5% था बाद में 5%, तो 24% हो चुका है रिटर्न। शिवांगी एक तो रेन इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखो शॉर्ट कवरिंग में, दूसरा गुजरात गैस, इन दोनों पे अभी भी स्टीम है तो खरीदेंगे नहीं तो बड़ा मुश्किल है हाथ डाल, 24% शेयर चलना। जी, दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर को देखें अगर हम तो रेन इंडस्ट्रीज पिछले 4 दिनों में एक काफी अच्छा रैली दिया है और जिस तरह से इसमें प्राइस वॉल्यूम की बढ़त हुई है वो काफी रिमार्केबल है, पर मुझे लग रहा है कि इतने रैली के बाद थोड़ी और कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है जो अभी इस लेवल्स पे, तो इस लेवल्स पे मुझे लगता नहीं है कि बाइंग करना रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल रहेगा। और गुजरात गैस की अगर हम बात करें तो एक काफी एक लंबा कंसोलिडेशन फेज के बाद, मतलब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा था और काफी अपना एक जो एक रेजिस्टेंस जोन्स था वो है 470 का, वो निकाल के आज ट्रेड कर रहा है, तो इसमें काफी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है और इसमें खरीदारी की सलाह रह सकती है। तो इसमें हम देख रहे हैं 490 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे और हम स्टॉप लॉस बनाए रखेंगे 460-465 का।
ओके ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। 465 का आपको एक स्टॉप लॉस भी लेके चलना होगा गुजरात गैस पे। मैं आपको गुजरात गैस के चार्ट दिखाता हूँ, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद शिवांगी ने जो लेवल्स दिए हैं वो तो खैर आपके स्क्रीन पर छपे हुए आगे है, 490 का टारगेट और 665 का। शेयर ने अपने आपको रोकने की अटैम्प्ट लिया है, ये फॉल आप देख पा रहे हैं, ये क्रॉस ओवर्स के बाद का फॉल है। पहला अरेस्ट यहाँ पे हुआ है, फिर राइज आया और टिपिकली 200 दिन पे रुकता है, ये मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ, प्रूफ भी हो चुका है। 200 दिन पे रुका, फिर से फॉल वर्टिकल था, अब ये फिर से अरेस्ट हुआ हुआ है, अब ये फिर से एक अटेम्प्ट ले रहा है अपने 50 दिन के एवरेज को पार करने की। अगर ये कर गया तो फिर ये 200 दिन के एवरेज की तरफ ज़रूर जाएगा, यानी कि पिंक लाइन की तरफ जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो यहीं से ये वापस मुड़ जाएगा, यानी कि बार बार किसी शेयर का रुकना और उसके बाद का जो पुल बैक है ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये फर्स्ट अरेस्ट और उसके बाद फिर से मूवमेंट, फिर से फॉल, तो फिर से रुका, फिर से मूवमेंट, लेकिन हर बार एवरेजेस का आके रेजिस्टेंस बन रहा है। चेक करते हैं, देखते हैं इस बार पार होता नहीं होता, इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो कीजिएगा। ये शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं, शॉर्ट कवरिंग में और ताज़ा खरीदारी में सिर्फ बेसिक फ़र्क ये होता है कि कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा होता है। ताज़ा खरीदारी में ज़्यादा वॉल्यूम रख सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग में वॉल्यूम कम रखें थोड़ा, वो शॉर्ट्स को सिर्फ कवर ही कर रहा होता है, तो स्पीडली ऊपर आता है बट रुक भी जाता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शिवांगी एक काम कीजिए, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स पहले मेरे को बता दीजिएगा, फिर मेरे पास दो तीन शेयर हो रहा है, मैं अगर समय मिला तो आपसे पता करता हूँ। जी आज की अगर मेरे ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो पहला पिक मेरा रहेगा रिलायंस में। तो हमने देखा है कि यहाँ पर भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और आज मेजर कंट्रीब्यूटर भी है इंडेक्स में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है जिस तरह से इसमें हायर हाईज हायर लोज बनाते जा रहा है पिछले 3 सेशंस में और वॉल्यूम्स भी अच्छी तरह से इंक्रीज हो रही है, मुझे लग रहा है यहाँ 2650 तक के टारगेट्स बन जाएंगे और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 25-20 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाटा मोटर्स पे। तो ये स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है, वीकली फ्रेम में एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में मूव कर रहा है और आज इसने एक प्राइस ब्रेकआउट भी दिया है और जो पूरा इंटायर ऑटो पैक है वो काफी फोकस में है और काफी पॉजिटिव मोमेंटम है उसमें। तो मुझे यहाँ लग रहा है 490 तक के टारगेट्स बन सकते हैं, स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 455 का। तीसरा पिक मेरा रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, यहाँ पर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव आज देखने को मिल रहा है और एक नेगेशन के बाद अच्छी एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 3900 तक के टारगेट्स बन सकते हैं, स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 3700 का। ओके ठीक है, तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी जो आज हमारी लिस्ट में भी था शॉर्ट कवरिंग की, ये अच्छा चलता हुआ दिखा है आपको, 3900 का टारगेट है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बेहतरीन शेयर है जिस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी आपको थोड़ा चलता हुआ दिखेगा। और टाटा मोटर्स भी यहाँ पे शिवांगी ने इसको प्लस करने के लिए बोला है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मेरे पास एक शेयर था टाटा ग्रुप का ही, टाटा पावर, उसमें अभी कुछ ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा। दूसरा शेयर है भारती एयरटेल। शिवांगी एक काम करेंगे, जरा भारती एयरटेल का जरा चार्ट जल्दी से खोल लीजिएगा और मेरे को बताइएगा क्या इसमें एक पुल बैक आ सकता है। ऑलरेडी हालांकि एक रेंज का है, ये रेंज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं जल्दी से भी आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली दिख जाएगा किस तरह से रेंज को इसने बचाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आई भारतीय एयरटेल, शिवांगी आप भारतीय एयरटेल का चार्ट खोलिए जरा बताइएगा। ये एक नैरो रेंज के अंदर फंस गया है, पहले एक डाउन ट्रेंड था यानी कि डाउनफॉल था, उसको इसने जैसे शूट किया ये क्रॉसओवर्स के साथ बना, इसको ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रेकआउट हुआ और फिर आप देख रहे हैं zigzag करते हुए इसी रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि ये शेयर इस तरह से भी चल रहा है कि क्योंकि 5G की बिडिंग प्रोसेस चल रही है तो अडानी और अंबानी दोनों का नाम सामने है, इसलिए भारतीय एयरटेल थोड़ा साइडवेज भी हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी ये अपनी रेंज का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा, अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। शिवांगी इसी रेंज का कोई टारगेट या कोई स्टॉप लॉस आपको मिलता है तो आप बताइए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जी भारतीय एयरटेल का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्रिसाइजली इसमें 696 का एक बहुत रेजिस्टेंस है जो काफी बार से ये पास नहीं कर पा रहा है अगर हम देखें तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर में। इसने जरूर फ्राइडे को एक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हुए आगे जरूर बढ़ा था, पर मुझे यह लग रहा है फिर भी अभी ये रेंज में कामकाज करने की संभावना रखेगा। 696 जब तक नहीं निकालता तब तक इसमें पॉजिटिव मोमेंटम जारी नहीं टिक पाएगी और यहाँ पे हम नीचे के लेवल्स पे 670 तक का एक नीचे का लेवल्स है तो इस रेंज में कामकाज करने की संभावना रख रहा है स्टॉक। आपके तीनों शेयर हमने नोटिस कर लिए हैं, पहला तो डिक्सन टेक्नोलॉजी, दूसरा आप टाटा मोटर्स कह रहे हैं, तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये शेयर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक शेयर जो हमने आपसे पता किए हैं उस पर भी आप ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल कम ट्रेड कीजिए लेकिन जो ट्रेड कीजिए वो अच्छा सा ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस और टारगेट आपके स्क्रीन पर। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए सभी शेयर्स पर रिकमेंड।